हेलो जी, राधे राधे। तो आज का जो हमारा ट्रैवल व्लॉग होने वाला है वो स्विट्जरलैंड का होने वाला पार्ट 9 ज़रमैट के ऊपर, जो बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। और अगर आप स्विट्जरलैंड में ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं, ज़रमैट घूमना चाहते हैं, तो आप ज्यूरिख से डायरेक्ट ट्रेन पकड़ सके आ सकते हैं। यहाँ पे जो 130 CHF लगेगा आपका, स्विट्जरलैंड की करेंसी फ्रैंक, और वहाँ से स्टेशन से आप बाहर निकलेंगे तो आपको सामने ही गवर्नर ग्रैट आपकी ट्रेन स्टेशन मिल जाएगी। ट्रेन स्टेशन में आप जाएंगे अंदर, तो उधर से चलती है ट्रेन जो आपको सबसे ऊपर लेके आ जाएगी आपके गॉर्नेग्राड के लिए, जिसका चार्जेस है 96 CHF। तो वहाँ पे आप पूरे दिन एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपको 5 to 6 hours तो पड़ता है वहाँ पे पूरा टाइम एक्सप्लोर करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मैटरहॉर्न। मैटरहॉर्न जो है आपका, वहाँ पे भी बहुत सारे स्विस अल्पाइन रीजन्स के माउंटेन है और एक ओल्ड टाउन विलेज भी है, तो जहाँ आप जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। मैटरहॉर्न में ही आपका ग्लेशियर पैराडाइज करके आता है, तो वो केबल कार की राइड है, तो आप केबल कार की राइड ले सकते हैं यहाँ पे जाने के बाद, जिसका चार्जेस है 48 CHF। ये सबसे टॉप पे आपको ले जाता है, जिसका हाइट है आपका 3883 meters। ऊपर में आपको स्टार लॉन्च और म्यूजियम, कुछ रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी आपको ग्लेशियर केव जैसे मिलेंगे, तो वो आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये यूरोप का सबसे हाईएस्ट केबल कार है, तो ये सबसे ऊपर लेके जाता है आपको। यहाँ पे आपको जो केबल कार में है वो 360 डिग्री ग्लेशियर व्यू आएगा, जो बहुत अच्छा लगता है। मैटरहॉर्न जो है वो स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर पे है, तो ये जो आपका राइड है आपका केबल कार का, वो आपको ऊपर ले जाता है, तो वो आपको एक बहुत अच्छा व्यू आता है। इसके बगल में ही एक और आपका नीचे जाएंगे तो वहाँ पर एक और माउंटेन भी है, रॉटहॉर्न, तो वो भी अगर आप चाहते हैं इसके बाद तो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको ग्लेशियर पैराडाइज इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये 14 टू 15 ग्लेशियर्स को मिला के बनता है, और ये 365 डेज आपकी ओपन रहती है स्कीइंग एरिया के लिए। तो अगर आप ज़्यादा स्कीइंग पसंद करते हैं तो यहाँ पे आप आ सकते हो, स्कीइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो ज़रमैट का आपका विलेज टूर। जो विलेज टूर जो आप लेंगे वहाँ पे, तो जो ओल्ड विलेजेस है वो मिक्स ऑफ एंशियंट बिल्डिंग्स एंड मॉडर्नाइजेशन का है, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आपको पुरानी ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स भी मिलेंगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन भी है, क्योंकि वहाँ पे एक स्विट्ज़रलैंड की एक ऐसी सिटी है ज़रमैट, जहाँ पे कोई कार्स नहीं चलती, आपकी बसेस नहीं चलती, पूरी फ्री है, व्हीकल फ्री है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पे आपको पॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जो बहुत फ्रेश है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा लेक्स लेक, जो राइफल सी, ये बहुत फेमस लेक है और इसका ये व्यू के लिए ये बहुत फेमस है। उसके अगल बगल अगर आप वहाँ पे हाइकिंग करना चाहते हैं तो वैसा वहाँ पे होटल्स भी अवेलेबल है जो आप उसके अगल बगल ले सकते हैं, जिसको आपको मॉर्निंग का 2-3 दिन अगर आप स्टे कर रहे हैं तो वहाँ का व्यू आपको बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद एक और माउंटेन आपका पड़ता है जिसको बोलते हैं ब्रेटहॉर्न, ये बहुत फेमस है। इसकी जब इसके यहाँ पे मैं गई थी तो वहाँ पे स्विट्जरलैंड में पूरा बर्फ हो गई थी, वहाँ पे स्नोफॉल हो गया था, जो ट्रीज थे वो क्रिसमस ट्री के जैसा देख रहे थे। और एक चीज़ और है कि जो ये ज़रमैट में सबसे फेमस है आपकी ग्लेशियर एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका आपको चार्जेस 159 CHF पड़ेगा। और सामने अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कहाँ से जाता है, स्टार्ट होता है कहाँ से, एंड होता है। तो इसीलिए ज़रमैट जो है वो बहुत फेमस है, बिकॉज़ यहाँ पे आपको पिक्चर परफेक्ट आपको प्लेसेस मिल जाएंगी, कार फ्री एरिया, कोई व्हीकल्स नहीं जिससे आपको पॉल्यूशन मिल रहा हो, सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, स्पेक्टेकुलर व्यू आते हैं आपके 360 डिग्री अगर आप ऊपर चले जाए तो। मैटरहॉर्न एक ऐसा आपका ग्लेशियर जो बहुत फेमस है, 4000 meters पीक्स के आपके सारे ग्लेशियर्स है, और ये माउंटेन विलेज है तो विलेज एरिया भी बहुत अच्छा है यहाँ का। ज़रमैट बेसिकली आपका स्कीइंग के लिए फेमस है, लेकिन अगर आप स्कीइंग नहीं कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। ऐसा अच्छा होटल बुक करें जहाँ पे आपका व्यू अच्छा आए, आप सुबह उठे तो आपको माउंटेन्स का व्यू आए तो उसका वर्थ लगेगा, और अगल बगल बहुत सारे आपके इंडियन रेस्टोरेंट भी थे तो वो सब सारे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे ओवरऑल जो टूरिज्म है आपका पूरे वर्ल्ड से आता है और ये बहुत फेमस स्पॉट है, तो अगर आप जा रहे हैं स्विट्जरलैंड तो ये सिटी जो है ज़रमैट, इसको ना भूलें और ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू जी।